है। और फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। आज हम आगे वाले पढ़ेंगे। आगे वाला जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है हमारा वो क्या है, कार्बीन। ठीक है, कार्बीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस तरह से एक कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या है दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड से, और एक यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से होगी कि ये बाकी की जैसे स्ट्रक्चर हमने बनाई थी वैसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो बॉन्ड तो है हाइड्रोजन के, लेकिन तीसरा बॉन्ड क्या है खाली है। खाली मतलब यहाँ पर क्या आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो कार्बीन होती है ये क्या होती है, दो तरह की होती है, एक होती है सिंगलेट और एक होती है ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट ट्रिपलेट, हिंदी में भी सिंगलेट ट्रिपलेट ही बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर, अगर हम इस ऑर्बिटल के अंदर रख रहे हैं, एक में ही रखेंगे तो हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ रखेंगे। अगर हम अपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये क्या होती है, सिंगलेट होती है। ठीक है, सिंगलेट का मतलब कि हमने दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रख दिए, एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर रख दिए, तो ये हमारी सिंगलेट कार्बीन है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी को ही इस तरह से लिखें कि एक हमने इलेक्ट्रॉन यहां रखा, सेम स्पिन का दूसरा इलेक्ट्रॉन रखना है, सेम स्पिन का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां तो अब नहीं आ सकता। ठीक है, वो क्या आएगा, वो इस ऑर्बिटल के अंदर आएगा। ठीक है, इस वाले पी ऑर्बिटल के अंदर आएगा। तो ये हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, कार्बीन दो टाइप की होती है, एक सिंगलेट होती है, ट्रिपलेट होती है। सिंगलेट का मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बीन के वो क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अगर हम सिंगलेट है, सिंगलेट है तो मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल के अंदर रखा, यानी तीन, जब भी हम काउंट करते हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन को तो कैसे करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितना है, तो आपके पास तीन है, तीन है तो यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है मतलब यहाँ पे तीन बॉन्ड बने हुए होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज यानी संकरित कक्षक तीन होंगे, तीन में से दो तो हमने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए और एक में हमने क्या रख दिया, हमारा लोन पेयर रख दिया। अब दूसरा जो ट्रिपलेट है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये दोनों सेम एक ही ऑर्बिटल के अंदर ना होकर ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर ये अलग होते हैं तो ये कौन सी होती है, ट्रिपलेट कार्बीन होती है। ठीक है, अब इनकी जब भी रिएक्शन होती है तो वो किस तरह से होगी कि मान लो हमने क्या किया, कोई एल्कीन ले ली। ठीक है, ये एल्कीन कौन सी एल्कीन है, सिस है या ट्रांस है, सिस एल्कीन है ये। क्यों, क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाले दोनों जो ग्रुप है वो क्या है, एक साइड पे, तो हमारी ये क्या है, सिस या समपक्ष जिसे हम बोलते हैं, समपक्ष एल्कीन है। अगर हम सिस एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं सिंगलेट कार्बीन के साथ, कार्बीन के साथ रिएक्शन होती कैसे है कि जैसे ये CH2 है, ठीक है, इसके पास ये लोन पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों लोन पेयर के। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंगलेट कार्बीन लेते हैं तो आपका सिस के साथ सिस ही प्रोडक्ट बनता है। सिस प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, ये फाइव बॉन्ड सिंपल सा टूटेगा और इसके साथ ये CH2 जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड आपके सेम रहेंगे, यानी ये दोनों जो कार्बन के साथ दोनों बॉन्ड बन रहे हैं ये एक ही तरफ बनेंगे, अपोजिट साइड में नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम ट्रिपलेट कार्बन की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बन में इसमें तो ये इस तरह से होता है ना सिंगलेट में कि इस ऑर्बिटल के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इन दोनों के कार्बन के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा तो ये एक तरफ से ही बनाएगा। लेकिन जब हम ट्रिपलेट कार्बीन लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर दूसरा ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें जब भी हम क्या करते हैं, एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये हमने सिस एल्कीन ले ली, फिर से इसकी जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं ना तो क्या होता है, सबसे पहले
एक जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ, इस कार्बन के साथ, ठीक है। ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा तो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है कि सिंगल एकल जो बंध है वो घूर्णन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर इस सिस एल्कीन से सिस प्रोडक्ट बनता है तो बीच का एक फेज ऐसा आता है जहां पे हम क्या करते हैं, इस कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में रोटेशन कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम रोटेशन कर दें तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, सिस वाला ही बनेगा। यानी ये जो इस तरह से ये एक जो को है हमने क्या कर दिया, घुमा दिया, और इसका फिर इस तरह से ये बीच में CH2 आके जुड़ेगा। यानी सिस के ऊपर जब हमने, अब इसको हम सिस ट्रांस बोल नहीं सकते वैसे, है ना, क्योंकि सिस ट्रांस हम कहाँ पे बात करते हैं, जब डबल बॉन्ड होता है किसी भी दो एटम के बीच में, वहां पे हम सिस ट्रांस का बात करते हैं या फिर EZ नोमेनक्लेचर का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें सिस और ट्रांस हम नहीं बता सकते, है ना। तो यहाँ पे हम डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों के अंदर, कि जब भी हम सिस एल्कीन की सिंगलेट कार्बीन से रिएक्शन करवाते हैं तो जैसे ये ग्रुप जुड़े हुए थे इन दोनों कार्बन पे वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिपलेट कार्बन की इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ग्रुप जो है वो क्या हो जाते हैं, एक कार्बन के चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का रोटेशन हो जाता है, एकल बंध का घूर्णन हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है कि जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इस ऑर्बिटल के अंदर है, है ना। ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, दूसरा जो है वो कहाँ पे है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा ये इस कार्बन के परपेंडिकुलर वाले जो ऑर्बिटल है उसके साथ बनाएगा। उसके साथ जब भी इसको बनाना है तो ये क्या होता है कि इसको पूरे को रोटेट कर देगा, ठीक है। इसको जब ये इन दोनों का प्लेन सेम होगा तभी बंध बनेगा, ये तो है, ठीक है। एक ऐसे है एक ऐसे है तो वो ओवरलैप नहीं होगा, है ना। बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों के प्लेन सेम हो। प्लेन सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कार्बन के ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं। इस वजह से ये दोनों जो ग्रुप है इनकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और आपका ये बॉन्ड बन जाता है दूसरे वाला, ठीक है। ये चीज होती है। तो कार्बीन आपकी क्या है, दो टाइप की है, एक सिंगलेट है एक ट्रिपलेट है। तो आप इसको लिख लो, कार्बीन इंटरमीडिएट का एक प्रकार है, ठीक है। इसमें इसे लिखो, कार्बन के पास सेक्सेट होता है, यानी ऑक्टेट की जगह 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सस्तक होता है। कार्बन जो होता है वो सेक्सेट की फॉर्म में या फिर सस्तक रूप में होता है, यानी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो बंद युग्म के बॉन्ड पेयर के और एक दो बंद युग्म के और एक लोन पेयर होता है, अयुग्मित बंद युग्म होता है। अर्थात कार्बीन में दो सहसंयोजक बंध होते हैं, दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। कार्बीन में कार्बन के दो सहसंयोजक बंध होते हैं और एक लोन पेयर होता है। कार्बीन दो तरह की होती है, पहली लिखो सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बन की ये स्ट्रक्चर बना लो। इसमें लिख लो सिंगलेट कार्बीन sp2 संकरित होती है, sp2 संकरित होती है।
यह स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, त्रिविम वर्णात्मक होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिविम वर्णात्मक। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि 100% इससे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनता है। हंड्रेड परसेंट एक नहीं सेलेक्टिव बनता है, सॉरी भैया, 100% एक नहीं सेलेक्टिव बनता है। स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब जो कि स्टेरिकली या त्रिविम के अंदर सेलेक्टिव कोई भी एक जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, ठीक है। दूसरा जो मैंने 100% बोला वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, वो आपका 100% एक ही बनता है। यहाँ पे सेलेक्टिव होता है यानी ये चूज करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सा बनना है, यानी ये क्या करता है, स्टीरियो सेलेक्टिव या त्रिविम वर्णात्मक उत्पाद बनाता है, ठीक है। इसमें ये रिएक्शन लिख लो और इसमें लिख लो कि सिस एल्कीन के साथ सिंगलेट कार्बन अभिक्रिया करके सिंगलेट साइक्लोप्रोपेन बनाती है, सिस साइक्लोप्रोपेन बनाती है। ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर तीन कार्बन की साइक्लोप्रोपेन, लेकिन इसमें कुछ प्रतिस्थापी भी हैं, हमने प्रतिस्थापियों का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन ये पोजीशन क्या होगी, सिस की, क्यों, क्योंकि हमने ये जो पोजीशन है इन दोनों कार्बन के ऊपर जुड़े हुए ग्रुप्स की वो चेंज नहीं की है, ठीक है। ये रिएक्शन लिख ली, उसके बाद में लिखो ट्रिपलेट कार्बिन, इसकी स्ट्रक्चर बना लो ट्रिपलेट कार्बीन की। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी मान सकते हैं हम और sp भी मान सकते हैं, ठीक है, sp3 नहीं sp मान सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरह से दो ही सिग्मा बोन बनाता है, और अगर दो ही सिग्मा बॉन्ड को अगर हम काउंट करें, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन को जो कि अलग अलग ऑर्बिटल में है, एक प्लेन में नहीं है, इनको काउंट नहीं करते हैं तो sp मानेंगे, लेकिन अगर इनको काउंट करते हैं तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो, यह sp या sp2 संकरित अवस्था में मिलता है, ट्रिपलेट कार्बिन sp या sp2 संकरित अवस्था में मिलता है। ये स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होता, त्रिविम वर्णात्मक नहीं होता। इसमें सिस और ट्रांस दोनों उत्पाद बनते हैं, इसमें सिस और ट्रांस दोनों उत्पाद बनते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन लिखो, ये जो है ये तो क्या बन रहा है, इसका सिस है या ट्रांस बन रहा है, ट्रांस, क्योंकि हमने यहां पर ये क्या किया, दोनों ग्रुप्स को चेंज नहीं किया, तो हमने इसको सिस और इसको भी सिस बोला, यहाँ पे इसको सिस बोल रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांस होगा। लेकिन इसका सिस भी बन सकता है, सिस कैसे बनेगा कि हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए इसके साथ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा बॉन्ड बनाए इसके साथ, यानी इस वाले कार्बन का जो ऑर्बिटल है उसमें जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ये जो इस लीनियर जो शेप है इसकी पी ऑर्बिटल की, उसमें ना भेज के हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर वाले में भेज देते हैं। अगर परपेंडिकुलर वाले में भेजते हैं तो यहाँ हमें रोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, अगर रोटेशन नहीं करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, ट्रांस और सिस, ठीक है। तो इसमें दोनों ही बना दो आप,
ठीक है, देखने में ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है, इसको हम ऑर्बिटल्स को इसमें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शंस देखें हम कार्बीन की, तो कार्बीन की रिएक्शन होती है एक तो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन जहां भी होगा, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन बनाने की जो विधियां हैं उसमें हम क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बीन के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन बनता है। एक टाइप की रिएक्शन ये होती है, या फिर हम दूसरी रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे कोई हमने साइक्लोहेक्सीन ले लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो ये हमारा क्या होगा, डाई क्लोरो कार्बीन, ठीक है, कार्बीन ही है लेकिन हाइड्रोजन रिप्लेस है किससे, क्लोरो से, तो ये क्या है, डाई क्लोरो कार्बीन। कि अगर हम साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन करवाते हैं डाई क्लोरो कार्बीन से, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से यहाँ पे एक रिंग बनाएगा, ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह क्या होगा, ये कार्बन आके आपका गिर जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, रिएक्शन होती है कार्बन की। ठीक है, हो गया ये। अब कार्बीन के बाद में नेक्स्ट जो आपका इंटरमीडिएट आता है वो है नाइट्रीन, ठीक है। कार्बीन की तरह ही नाइट्रीन होता है, नाइट्रीन के भी दो फॉर्म होंगे, एक सिंगलेट होगा एक ट्रिपलेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रीन, ठीक है। नाइट्रीन की स्ट्रक्चर होती है नाइट्रोजन इस तरह, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑलरेडी होता है, ठीक है, एक हमने बॉन्ड पेयर बना दिया, ठीक है, बाकी जो तीसरा है उसके लिए हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को फ्री रख दिया, ठीक है। ये है नाइट्रीन की स्ट्रक्चर। अगर ये नाइट्रीन है तो ये भी दो फॉर्म के अंदर मिलती है, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट, ठीक है। सिंगलेट में क्या होगा, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल के अंदर होंगे, दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे, चक्रण उनका क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन अगर हम बात करें ट्रिपलेट की, तो ट्रिपलेट के अंदर क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर, अलग अलग कक्षकों के अंदर होंगे, सेम स्पिन के साथ होंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप की है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। इनको अगर ड्रॉ करना है तो इस तरह से कर लो, ये तो हो गया लोन पेयर वाला, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये एक सिंगलेट कार्बीन का, अगर हम ट्रिपलेट का बनाएंगे तो हमें तीसरा पी ऑर्बिटल भी बनाना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला बनाएंगे, ठीक है, इसका दूसरा नहीं बना रही हूँ मैं लोग, तो ये एक इधर एक इधर, ये हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर बना लो, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, इसमें लिख लो नाइट्रीन साइक्लोएडिशन रिएक्शन देता है, चक्रीय योग अभिक्रियाएं देता है, साइक्लोएडिशन या चक्रीय योग अभिक्रियाएं देता है। जैसे हमने नाइट्रीन है, नाइट्रीन की रिएक्शन करवाई किसके साथ, एल्कीन के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बीन की तरह ये क्या करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा,
इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर ये काम में आते हैं। आपने पढ़ा होगा रिएक्शन होफमन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, पढ़िए होफमन ब्रोमामाइड अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, हम एसिड का सिल्वर सोल्ट लेते हैं, ठीक है। उस एसिड के सिल्वर सोल्ट से हमें मिलता क्या है, एमीन मिलता है ना। तो वो कैसे मिलता है, उसमें बीच में इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रीन, ठीक है। तो बीच वाले इंटरमीडिएट वाली स्टेट होती है वो इस तरह से होती है ये, ठीक है। लेकिन ये एमीन कब बनेगा, जब क्या होगा ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। नाइट्रीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखाएगा, किस तरह से दिखाता है कि ये जो एल्किल ग्रुप है ये आता है नाइट्रोजन को, ठीक है, और ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये बाहर निकल जाता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाते हैं होफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर, तो क्या होता है ये एल्किल ग्रुप जुड़ता है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और इस नाइट्रोजन के साथ बाहर से आके क्या होता है, दो हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये नाइट्रीन है इसलिए आगे हमने बॉन्ड बना नहीं रखी, ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या है, बाद में दो हाइड्रोजन और जुड़ जाते हैं, तीन बॉन्ड बनाने होते हैं नाइट्रोजन के पूरे, तो ये क्या करेगा, एमीन का फॉर्मेशन करता है। यानी एक तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर भी हम नाइट्रीन काम में लेते हैं। तो आप एक लाइन लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख लो, पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं में रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में नाइट्रीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर